आप अपनी लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सब पता है। आज जो आप सीखोगे कल उसके परिणाम स्वरूप ही आप सक्सेसफुल हो सकोगे। बाद में पछताना बहुत खराब लगता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से 80% घटनाएं 35 वर्ष की आयु तक घट चुकी होती हैं। हमारा व्यक्तित्व हमारे जीवन के किसी भी अन्य दशक की तुलना में हमारे 20s में सबसे अधिक बदलता है। 28 साल की उम्र में वीमेन फर्टिलिटी अपने चरम पर पहुंच जाती है। माइंड अपने लास्ट प्रमुख विकास गति के अंत तक पहुंच जाता है। भले ही आप कुछ न करें, फिर भी आप डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि कुछ न करना भी आपका ही डिसीजन है। 20s में आप यह पता लगाने की राह पर हैं कि आप कौन हैं। इस डेकेड में आपके पर्सनल और व्यावसायिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैच्योरिटी का निर्णायक दशक होता है हमारा 20वां डेकेड। आपके 20s में आप निश्चित रूप से गलतियां करेंगे, जो तब तक अच्छी बात है जब तक आप उनसे सीखते हैं। अपने इन 10 बेमिसाल सालों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। आइए आज उनके बारे में बात करते हैं। 1. स्वस्थ आदतें विकसित करें। आपका स्वास्थ्य आपके 20s में अपने चरम पर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अनदेखा कर देना चाहिए। बहुत से युवा इस तरह से पीते और खाते हैं जो किसी दिन उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए स्वस्थ आदतों को विकसित करना शुरू करने का यह एक ग्रेट मोमेंट है जो जीवन भर चलेगा। अपनी डाइट को चेक करें, खाना बनाना सीखें और एक हेल्थ रूटीन बनाएं जो आपको सूट करे। आप अभी से ये करेंगे तो एक मजबूत नींव बनेगी और यह भविष्य में आपके द्वारा किए जा सकने वाले सर्वोत्तम निवेशों में से एक होगा। 2. अपने फाइनेंसेस पर नजर रखें। मनी मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए भी यह एक बढ़िया समय है। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यह आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट के डर के बिना प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया समय है। यदि आप अपने पैसे को जल्द से जल्द सेव, इन्वेस्ट करना और मैनेज करना शुरू करते हैं, तो आपको जल्द ही अच्छे परिणाम नजर आने लगेंगे। कई युवा फाइनेंशियल एजुकेशन की तो बिल्कुल अनदेखी करते हैं। 3. यह समझना शुरू करें कि अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करें। ये ध्यान दें कि आप अपने 20s में समय कहां बर्बाद कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या से सब तरह की बेकार चीजों को हटा दें। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखें। मल्टीटास्क न करें और अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसको लिख लें। 4. अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को टालना बंद करें। फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी खुशियों को ताक पर रखने से बचें। कई बार आप काम पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि आप अपने प्रियजनों के लिए एक घंटा भी अलग से नहीं निकाल पाते। वास्तव में जब लोगों से जीवन में उनके सबसे बड़े पछतावे के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब उनके परिवार और रोमांस के इर्द गिर्द ही घूमता है, जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ अधिक समय नहीं बिताया या माता पिता को बिल्कुल समय नहीं दे पाए। 5. अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना शुरू करें। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना सबसे आसान और उतनी ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। एक बार चले जाने के बाद इसे वापस पाना काफी मुश्किल होता है। आपके जीवन में इस समय एक्सरसाइज करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप जल्दी शुरू करते हैं तो आप दशकों तक इस आदत को बनाए रखने में कामयाब होंगे, जो विशेष रूप से तब उपयोगी होगा जब आप अपने 30 के दशक के अंत तक पहुंचेंगे और मांसपेशियों को खोना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कि अपने 40वें और 50वें डिकेड में अधिकांश लोग पैसे देकर हेल्थ खरीदने की कोशिश करते हैं। 6. माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू करें। अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक सेंसेशंस और एनवायरनमेंट के प्रति अधिक सचेत रहना ही माइंडफुलनेस है। विशेषज्ञों के अनुसार यह आपको काम पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपको हेल्थी तरीके से तनाव से निपटने में मदद करता है। क्वाइट मेडिटेशन के लिए प्रत्येक दिन या सप्ताह में एक विशेष समय निर्धारित करके ध्यान करें। एक नोटबुक में लिखना, अपने कमरे में अंधेरे में शांत संगीत सुनना, एकाग्र होकर गहरी सांस लेना या योग का अभ्यास करना या कुछ भी जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों से अलग करने में मदद करता है, सभी आराम करने के तरीकों के उदाहरण हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बारे में अपने आप से खुलकर चर्चा करें। 7. यात्रा करें। आपके 20s में यात्रा करने से कई लाभ मिलते हैं। भले ही आपके पास सीमित बजट हो, आप अपने शहर और आसपास के स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके जीवन में बहुत सारी वैल्यूज को जोड़ सकती है। जब हम यात्रा करते हैं तो हम सीखते हैं कि विभिन्न एनवायरमेंट्स में कैसे वेल एडजस्ट किया जाए। यह हमें हमारे कम्फर्ट जोन से बाहर धकेलता है और हमें खुद को परखने के लिए मजबूर करता है। हम एक अलग संस्कृति का कैसे सामना करेंगे, हम अपने बजट में रहकर यात्रा कैसे करेंगे, यह हमें सुधार करने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों के साथ जुड़कर, भले ही हम एक शेयर्ड कल्चरल बेस या भाषा शेयर न करें, हम अपने अप्रोच को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन की एबिलिटीज में सुधार कर सकते हैं। 8. जितनी जल्दी हो सके जहरीले रिश्ते से बाहर निकलें। हमेशा प्यार को एक मौका देने के लिए एनकरेज किया जाता है, लेकिन जब चीजें काम नहीं करती हैं तो इसे स्वीकार करने की बहादुरी की भी सलाह दी जाती है। यदि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें कहीं भी प्यार नहीं है वो और कहीं नहीं जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि इसे छोड़ने का समय आ गया है। 9. नेटवर्किंग। रिलेशन बनाने और दूसरों से सीखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका होता है।
आप जो रिश्ते जल्दी बनाते हैं उनकी जीवन भर टिकने की संभावना ज्यादा होती है और वो आपको कई प्रोफेशनल और पर्सनल ओकेजन प्रदान करते हैं। अपने आसपास या ऑनलाइन कार्यक्रमों में भाग लेकर विभिन्न ग्रुप्स के सदस्य बने। आप धीरे धीरे उन लोगों को नोटिस करेंगे जो आपके जीवन में सबसे बड़ी वैल्यू को जोड़ते हैं। आपको यूनिक एक्टिविटीज में भाग लेने और सफल लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। 10. ज्यादा से ज्यादा चांसेस लें। रिस्क लेने के लिए आपका 20 सबसे अच्छा समय होता है। किसी भी समय आप अलग अलग रूट्स और बिहेवियर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा करने का यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं और आपके पास बच्चे या अन्य लोग नहीं हैं। इस डेकेड में कोर्स को बदलना या एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करना बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास इसे करने की एनर्जी और इंस्पिरेशन है। आप परिणामों की चिंता किए बिना कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। 11. आभार व्यक्त करना शुरू करें। हर दिन की शुरुआत अपने दिल में थैंकफुलनेस के साथ करें। थैंकफुलनेस में साधारण चीजों को आशीर्वाद में बदलने की शक्ति है और यह हैप्पीनेस का सबसे फास्ट तरीका है।